हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से हम कैसे भाग करते हैं और हमने शेषफल प्रमेय के बारे में बात की थी। जैसे मेरे पास एक बहुपद है px बराबर 2x² + 4x + 2 और दूसरा बहुपद है qx बराबर x + 1। मुझे इस बहुपद से इस बहुपद को क्या करना है, भाग देना है। qx से px को भाग देना है, तो हम कैसे देंगे, हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और फिर हम इसमें देखेंगे जो हमारा चर है, चर की जो सबसे बड़ी घात वाला जो पद है वो कौन सा है, ठीक है। तो अब जिससे हम भाग दे रहे हैं, इसमें हमारी जो सबसे बड़ी घात वाला पद है वो कौन सा है, इसमें x है। तो हम x में किसका किसकी गुना करें कि हमें 2x² मिल जाए। तो जब हम x में 2x की गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x², फिर इस 2x की हम 1 में गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x। तो हमने गुना करके लिख दिया। फिर हम माइनस करेंगे, माइनस करने पे हमारे जो साइन है वो बदल जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएंगे, एक जैसे पद है। और इसमें से माइनस करने पर हमें मिलेगा 2x। फिर हमने ये जो 2 है इसको उतार लिया। अब हमें ये बनाना है, 2x प्लस 2 बनाना है। तो x प्लस 1 में किसकी गुना करेंगे, 2 की गुना करेंगे। 2 की गुना x में करेंगे तो 2x हो जाएगा और 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब माइनस करने पर ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये जो 0, ये क्या है, हमारे पास शेषफल है, ठीक है। तो जब एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करते हैं और हमारा हमें शेषफल 0 मिल जाए, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये जो हमारा भागफल है ये इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। ऐसे अगर हमारे पास कोई बड़े बहुपद भी है तो हम उसको भी भाग कर सकते हैं, जिसकी घात ज़्यादा बड़ी होगी या जिसके पद ज़्यादा होंगे, ठीक है। और आज के लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि जो बहुपद होते हैं उसको कैसे हम गुणनखंड कर सकते हैं, उसका फैक्टराइजेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, दो विधियों के बारे में हम बात करेंगे। पहली विधि में हम जो हमारा बहुपद है उसका जो मध्य पद होगा उसको दो भागों में डिवाइड करके उस विधि के बारे में बात करेंगे। दूसरा, हम जो हमारी गुणनखंड प्रमेय है, फैक्टर थ्योरम है, उससे हम कैसे गुणनखंड कर सकते हैं किसी भी बहुपद के, उसके बारे में बात करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो है मध्य पदों को बांट कर बहुपद का गुणनखंड करना। बच्चों, मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इनके मैंने गुणनखंड करके लिखा है। जैसे कोई भी हमारे पास संख्या है, कांस्टेंट संख्या है, नंबर है, जैसे ये 10 है, तो 10 को हम कैसे इसके फैक्टर ले सकते हैं, 2 × 5, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। अब मेरे पास ये है 5x + 5, तो इसको मैं कैसे फैक्टराइजेशन करूँगी, इसका कैसे गुणनखंड करूँगी, तो जो भी इन दोनों पदों में कॉमन है उसे मैं बाहर ले लूँगी। जैसे मैंने इसमें से 5 बाहर ले लिया और अंदर बचा x + 1, तो इसके दो फैक्टर हो गए, एक तो 5 हो गया और एक x + 1 हो गया, ठीक है। तो ये आसान है करना। अब x² + 2x, इसका मैं कैसे गुणनखंड कर सकती हूँ, तो इससे भी मैं जो मेरे पास कॉमन है उसे मैंने बाहर ले लिया x, अंदर बचा x + 2, तो एक गुणनखंड x हो गया, दूसरा x + 2 हो गया। अब आगे हमारे पास एग्जाम्पल है 3x² + 2x + 12x + 8, इसको मैं कैसे इसके फैक्टराइजेशन करूंगी, तो इसमें से मैंने पहले दो जो हमारे पास पद हैं उसमें से कॉमन ले लिया x, तो अंदर बचा 3x + 2, फिर मैंने दूसरे में से कॉमन ले लिया 4, तो अंदर बचा 3x + 2, 3x + 2 को मैंने दोबारा से कॉमन ले लिया और अंदर बचा x + 4। तो इस तरह से ये इस पूरे बहुपद के क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अब इन सबको समझना बिल्कुल आसान है, हमने जो कॉमन था वो कॉमन ले लिया, लेकिन आप जब इस एग्जाम्पल को देखोगे तो आप यहाँ देखोगे कि ये जो हमारा 2x और 12x था, इसे हमने अलग अलग क्यों लिखा, इसे हम एक साथ ऐसे भी लिख सकते थे 14x। तो जब ये हमारे पास इस तरह का बहुपद होता 3x² + 14x + 8, तो हम इसे कैसे, इसमें से क्या कॉमन लेते, क्योंकि फिर कॉमन तो कुछ बचता ही नहीं है भाई, ये 3 है, ये 14 है और ये 8 है, और ये x सिर्फ दो पद में, तीसरे में x भी नहीं है, तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो हमने इसे इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर लिया जिससे सिर्फ कुछ कॉमन आ जाए। और कॉमन भी कैसे आ रहा है, कॉमन भी बिल्कुल एक जैसा आ रहा है, 3x + 2 है और 3x + 2 है, ताकि हम दोबारा से भी इसको कॉमन ले सके, भाग कर सके। तो इस तरह से हमें इसके क्या मिल गए, फैक्टर मिल गए। अब इसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा,
कि हम इसको इस तरह से दो पार्ट में अगर डिवाइड करें तो हमारे जो फैक्टराइजेशन है वो हो जाते हैं। इसके पीछे कुछ लॉजिक होगा। और हमने यहाँ पे क्या किया है, मध्य पद जो है उसको स्प्लिट कर दिया है, उसको बांट दिया है। तो इस मेथड को ही हम क्या कहते हैं, जो हमारा मध्य पद को दो भागों में बांटने की विधि है वो यही विधि है कि हमारे पास जो भी बहुपद होगा उसमें हम उसके बीच वाले पद को दो पार्ट में तोड़कर लिख लेते हैं, बांटकर लिख लेते हैं, और फिर उसमें से हम दो दो पद कर कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन लेने के बाद हमें जो गुणनखंड है वो मिल जाते हैं। लेकिन इसे हम कॉमन कैसे लेते हैं, हमें ये चीज़ देखनी है मेरे पास। अच्छा एक बात और बच्चों, ये जो मेथड है ये सिर्फ उन्हीं बहुपद पे लगता है जो द्विघात बहुपद होते हैं, ठीक है। सिर्फ द्विघात बहुपद को हल करने के लिए ही हम क्या करते हैं, मध्य पद स्प्लिटिंग मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। अगर हमारी ज़्यादा घात है, 3 है 4 है 27 है 28 है, तो उसमें हम इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम पढ़ते हैं गुणनखंड फैक्टर, गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड जो है वो पढ़ते हैं। उससे हम कितनी भी बड़ी घात वाला हमारा बहुपद हो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको बताती हूँ कि ये कैसे होता है, आप इसको समझें। मेरे पास एक बहुपद है जो द्विघात बहुपद है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसमें जो मध्य पद है वो क्या है हमारा, यह है bx है। तो इसमें bx को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में ऐसे बांट लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं कि वो क्या हो, अगर हम इन दोनों की गुना करें तो वो हमें ac मिल जाए। ac क्या है, ये जो हमारा कॉन्स्टेंट पद है और हमारा जो x स्क्वायर का कोफिशियंट है, इसका जो गुणांक है, ठीक है। ac की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो b को हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे b1 b2 में, ताकि उनकी गुणा करने पर हमें क्या मिल जाए, ac मिल जाए। और जोड़ने पर, यहाँ पे साइन जोड़ना है, जोड़ने पर हमें ये मिल जाए। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो माइनस करने पर हमें ये मिल जाए। तो हमें यहाँ के साइन का भी ध्यान करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इस विधि का यूज सिर्फ हम कब करते हैं, जब हमारे पास बहुपद कैसा हो, द्विघात बहुपद हो, दो घात हो उसकी, तो उसमें हम जो हमारा मध्य पद होता है उसे इस तरह से बांटते हैं, जो बी एक्स है बी उसको बी वन बी टू में इस तरह से डिवाइड करते हैं कि जब उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो वो ए सी के बराबर होगा, ठीक है। और जोड़ने पर इन्हें बी वन और बी टू और इसके बाहर एक्स लिख लो, इन्हें जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, बी एक्स मिले। हम इस तरह से, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम उन्हें दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। फिर दो दो पद लेकर हम उसमें क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने पर हमारे जो हमें फैक्टर्स चाहिए वो मिल जाएंगे। इसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। बच्चों मैंने एक एग्जांपल लिया, 3x² + 14x + 8। इस द्विघात बहुपद को मुझे मध्य पद को दो भागों में बांट कर क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो मैं कैसे करूँगी, ये मेरे पास द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण में हम क्या करते हैं, एक तो हम ए सी निकालते हैं, हमें पता होना चाहिए ए सी, ठीक है। तो ए सी क्या है, इसमें 8 × 3 यानी कि 24। अब ये जो हमारा मध्य पद है जो 14x है, इसे हमें दो भागों में बांटना है। किस तरह से बांटना है कि गुना करने पर हमें 24 मिल जाए। तो उससे पहले मैं 24 की फैक्टर्स हम लिख लेते हैं जो हमने छोटी कक्षाओं में भी सीखे हैं, जैसे 1 × 24, ठीक है, 12 × 2, तो 12 × 24, या फिर 8 की अगर हम गुना करेंगे 3 में, 8 × 24, तो इस तरह से हमें इसकी फैक्टर्स मिल सकते हैं, 6 × 4। अब इन फैक्टर में से हम कौन से फैक्टर में स्प्लिट करें, कौन से फैक्टर में इसको डिवाइड करें इस तरह से कि हमें जोड़ने पर, यहाँ पे साइन क्या हमारा प्लस का, जोड़ने पर हमें 14 मिल जाए, ठीक है। अगर हम 1 और 24 लेते हैं तो ये तो नहीं होगा, 1 × 24 = 25 हो जाएगा। अगर हम 3 और 8 लेते हैं तो ये भी नहीं होगा, 6 और 4 लेते हैं ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम 12 और 2 लेंगे तो इन दोनों की गुना करके हमें 24 भी मिल रहा है, और इन दोनों को जोड़कर हमें 14 भी मिल रहा है। तो इस 14x को हम 12 और 2 में स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 3x² + 12 + 2x + 8, यानी कि 3x² + 12x + 2x + 8। अब हम इन दो में से अलग कॉमन लेंगे और इन दोनों पदों में से अलग कॉमन लेंगे। इनमें से क्या कॉमन हो जाएगा हमारा,
3x कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 4। फिर इसमें से हम कॉमन लेंगे 2, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 4। अब देखो ये भी एक जैसा कॉमन बचा है, तो इन दोनों को भी हम कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 4 हमने बाहर कॉमन ले लिया और अंदर बचा 3x प्लस 2। तो इस तरह से ये हमारे क्या मिल गए हैं, फैक्टर मिल गए हैं, किस बहुपद के, इस बहुपद के। ठीक है, इसमें हमने सिर्फ क्या करा, हमने एसी देखा, एसी का मतलब जो हमारा कॉन्स्टेंट पद है उसकी गुणा किस में करी, एक्स स्क्वायर के गुणांक से करी। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे कोई भी गुणांक नहीं होता तो उसका मतलब यहाँ पे एक होगा, तो यहाँ पे फिर हम 8 ही लेते, तो ये 8 और 3 है यानी कि 24। तो हमें 24 की इस तरह से फैक्टर करने हैं, हमें 24 के फैक्टर देखने की क्या क्या हो सकते हैं, फिर हमें जो हमारा मध्य पद है उसे इस तरह से बांटना है कि गुणा करने पर हमें 24 मिल जाए। ठीक है, और जो हम लेंगे गुणा करने पर जो हमें 24 मिलेंगे उसे जोड़ने पर हमें बीच वाला पद भी मिलना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ठीक बैठ रही है तो हमने उसे ठीक से बांटा है, उसे ठीक से हमने स्प्लिट किया है। तो हमने ये 12 प्लस 2 में स्प्लिट कर दिया, फिर हमने दो दो पदों में से कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद हमें अंदर x प्लस 4 बचा, उसे हमने दोबारा से कॉमन ले लिया और अंदर हमारा 3x प्लस 2 बचा। तो ये दोनों क्या होंगे, इस बहुपद के गुणनखंड होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। बच्चों इस विधि का मैं एक बार आपको दोबारा से कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, जिसमें मैंने एक क्या ली, द्विघात बहुपद लिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके जो फैक्टर्स हैं वो इस तरह से हैं, पी एक्स प्लस क्यू और आर एक्स प्लस एस। ठीक है, ये मेरे पास कोई एक द्विघात बहुपद है और उसके ये फैक्टर्स हैं। तो अब मैं इसके अंदर गुणा कर लेती हूँ, तो गुणा करने पर आएगा हमारा क्या, पी आर एक्स स्क्वायर, फिर इसकी एस में गुणा करेंगे तो पी एस एक्स, फिर क्यू की करेंगे क्यू आर एक्स प्लस क्यू एस। अब पी आर एक्स स्क्वायर, ये जो हमारे दोनों पद में एक्स एक्स कॉमन ले लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा पी एस प्लस क्यू आर और बाहर होगा हमारा एक्स और ये हो जाएगा हमारा क्यू एक्स। अब आप इस समीकरण की जब इससे तुलना करोगे, ठीक है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स की पावर जीरो है, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स की पावर जीरो है, तो ए क्या होगा आपका, ए होगा पी आर, ठीक है, बी क्या होगा, बी होगा पी एस प्लस क्यू आर, पी एस प्लस क्यू आर और सी होगा आपका क्यू एस। अब इसमें ये बी है, ए है, ए बी सी के मान आ गए, तो आप ए सी कैसे निकालोगे, ए और सी को गुणा कर लोगे, यानी कि पी आर गुना क्यू एस, तो ये हो जाएगा पी क्यू एस आर, गुना करने पर ये आएगा। तो इसे ये क्या हमारा मध्य, मतलब इसे हम क्या करेंगे, मध्य पद जो होगा हमारा ये इसमें तोड़ेंगे, ठीक है, और इसमें देखो हम इसको तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, पी एस, पी के साथ एस ले लेंगे क्योंकि गुना में ये पी एस प्लस क्यू आर, ठीक है, ये पी एस हो गया और ये हमारा क्यू आर हो गया। ठीक है, यानी कि जो हमने एग्जाम्पल लेके हल किया ये सारे द्विघात समीकरण पे अप्लाई होता है। कैसे, मैं एक बार और बता देती हूँ, ये मैंने एक द्विघात समीकरण ली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दोनों मैंने इसके फैक्टर ले लिए, इसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो सकते हैं क्योंकि घात कितनी है, दो है। फिर मैंने इसको अंदर गुना करा और इसे दोबारा से सोल्व करके इसे इक्वेशन फॉर्म में मैं लेके आ गई और फिर मैंने इस साइड की इस साइड से कंपैरिजन करा, तो मुझे ए मिला, बी मिला और सी मिला। अब हम जब मध्य पद को स्प्लिट करते तो कैसे करते हैं, हम ए सी की गुना करते हैं और ए सी को हम इस तरह से मतलब वो करते हैं, स्प्लिट करते हैं कि हमें जो मध्य पद है वो मिल जाए। तो ए सी हमारे पास ये है, इसे हम जब स्प्लिट करेंगे तो हमें ये मध्य पद मिल रहा है। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, इस पर हम कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट फिर समझ में आ जाएगा। बच्चों मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ये द्विघात बहुपद है हमारे पास, इन्हें हमें हल करना है और इनके हमें फैक्टर्स निकालने हैं, कैसे वो भी जो हमारी मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का मेथड है उससे हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो मैं एक एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। देखो ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस एक्स, ठीक है, तो अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूं तो ये हमारा इसी फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इस एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं पहले वाले की, तो इसमें ए क्या हमारा एक है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट एक है, बी हमारा क्या है माइनस पांच है और सी हमारा इसमें
सी है हमारा 6, ठीक है। तो ए सी क्या होगा हमारा, 1 गुना 6 यानी कि 6। अब हमें 6 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 6 का एक तो फैक्टर हो सकता है हमारे पास भाई 1 गुना 6 या 2 × 6, ये फैक्टर्स होंगे हमारे। अब हमें इसे स्प्लिट करना है, किस तरह से स्प्लिट करना है कि जोड़ने पर, यहाँ पे साइन है, जोड़ने पर -5 आ जाए। तो जब हम -2 को -3 में जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो हमें 6 मिल जाएगा प्लस का। तो हम इसे 2 और 3 में स्प्लिट कर सकते हैं। तो मैंने इसे लिखा 2x - 3x + 6, इस तरह से मैंने इसको स्प्लिट करके लिख लिया है, ठीक है। बीच वाला जो पद है उसको तोड़ लिया है। अब दोबारा से आप इसको चेक कर सकते हो ना, 2 और 3 -, -, +, हो जाएंगे 2 और 3 5 हो जाएंगे, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। देखो -5x, गुना करेंगे तो 6 आना चाहिए, 2 × 6। अब इसमें से हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x - 2। इसमें से हम माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x - 2, माइनस भाग कॉमन हो गया तो ये माइनस हो गया। x - 2 दोबारा से कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x - 3। तो इसके x² - 5x + 6 के फैक्टर क्या क्या है हमारे पास, x - 2 और x - 3 आए, ठीक है। अब दूसरे एग्जाम्पल में बताती हूँ आपको, दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास 2x² + x - 3। दूसरा एग्जाम्पल ये है। अब इसकी कंपैरिजन अगर मैं इससे करूं, किससे, ax² + bx + c, तो यहाँ a क्या है मेरे पास, 2, x² का कोफिशिएंट 2 है, b है मेरे पास 1 और c है -3, c क्या है मेरे पास -3। तो ac क्या होगा, 2 × -3 यानी कि -6। अब हमें ये जो बीच में है हमारा x, इसे स्प्लिट करना है, कैसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर -6 आ जाए। तो अगर मैं प्लस का 3 लूं और -2 लूं तो गुना करूंगी तो -6 आएगा, ठीक है, और अगर इन्हें जोड़ूंगी तो +1 बचेगा। तो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2x² + 3x - 2x - 3, ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो कॉमन आएगा x, अंदर बचेगा 2x + 3, यहां से मैं कॉमन लूंगी -1, तो 2x + 3, 2x + 3 दोबारा से कॉमन आ गया, अंदर बचे x - 1। तो 2x + 3 और x - 1 इस बहुपद के क्या है, हमारे फैक्टर है, ठीक है। हमने सिर्फ कंपैरिजन करके एबीसी निकाला, हमने एसी देखा क्या है, और फिर हमने देखा उसे हम कैसे मिडिल टर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास 6x² + 17x + 5। तो इसकी जब हम इससे कंपैरिजन करेंगे तो ए क्या निकलेगा हमारे पास बच्चों, 6, बी होगा हमारे पास 17 और सी होगा 5। तो एसी क्या होगा, 6×5=30। अब हम किस में इसे स्प्लिट कर सकते हैं कि जोड़ने पर 17 आए, जोड़ने पर हमारा मिडिल टर्म आए 30 को, तो 15 × 30 और 15 और 2 क्या होंगे, 17 होंगे। तो बहुत आसान है इसे स्प्लिट करना, तो इसे लिखूंगी मैं 6x² + 2x + 15x + 5, ठीक है। देखो हमारे पास 5, एसी क्या है, 30 है, 30 के हमें इस तरह से फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर हमें क्या मिले, 17 मिले, और गुना करने पर 30 मिले, तो 15 × 30। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन रहेगा 2x, अंदर बचेगा 3x + 1, यहां से हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा आपका 5, तो अंदर बचेगा 3x + 1, 3x + 1 दोबारा से हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा आपका 2x + 5। ये दोनों इस बहुपद के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। तो ये था हमारा मेथड जिसमें हम द्विघात बहुपद के जो मिडिल टर्म है, मध्य पद है, उसे 2 पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं और उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो बच्चों अगर हमारे पास बहुपद इस तरह के हो जिसमें 2 से ज्यादा घात हो तो हम उसे कैसे हल करेंगे, ये विधि तो तब थी जब हमारे पास क्या है, सिर्फ द्विघात बहुपद है, तो उसे हम उसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर बहुपद इस तरह के हैं कि उसमें 2 से ज्यादा घात है तो उसके लिए हम दूसरे मेथड का यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं फैक्टर मेथड।
गुणनखंड विधि कहते हैं और उसमें हम क्या पढ़ेंगे, गुणनखंड फैक्टर जो थ्योरम है उसके बारे में बात करेंगे। गुणनखंड प्रमेय होती क्या है, उससे हम द्विघात बहुपद को भी हल कर सकते हैं और ऐसे बहुपद को भी हल कर सकते हैं जिसमें ज्यादा घात हो, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज की लेक्चर में हमने पढ़ा सिर्फ एक मेथड किसे हल करने का, बहुपद के गुणनखंड करने का, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसमें हम द्विघात बहुपद को फैक्टर करते हैं, कैसे उसके बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट में और कॉमन लेके हम उसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे दूसरे मेथड के साथ। थैंक यू।